हेलो एवरीवन, ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम से, जो कि एनसीईआरटी बुक में नहीं है लेकिन एग्ज़ाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में इन्हीं को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन से। सिंप्लीफाई एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है, तो इसे सॉल्व करने के लिए फैक्टर्स फाइंड करने होंगे 25, 243, 16 और 8 के। 25 होता है 5 का स्क्वायर, 5 फाइव ज़ा 5 वन ज़ा, 25 की जगह पर हम 5 स्क्वायर ले लेंगे। और ये जो पावर है से बाहरी ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे। इसी तरह से 243 के अगर फैक्टर्स निकाले तो 243 होता है 3 से डिविजिबल, तो 381 ज़ा 327 ज़ा 39 ज़ा 33 ज़ा 31 ज़ा। तो इस तरह से 5 टाइम्स आया 3 raised to 5, और ब्रैकेट के बाहर ये 3/5। इसी तरह से अगर हमने 16 के फैक्टर्स निकाले तो 16 होता है 2 से डिविजिबल, तो 2 आएगा इसका प्राइम फैक्टर, 2 1 2। इस तरह से 16 की जगह पर हम 2 raised to 4 लिख सकते हैं और ब्रैकेट के बाहर 5/4। इसी तरह से 8 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 8 होता है 2 को 3 बार अगर हम करते हैं, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। 8 की जगह पर 2 raised to 3 ले लेंगे, 2 का क्यूब होता है ये, और ब्रैकेट के बाहर 4/3 ऐसे आएगा। अब इसे मल्टीप्लाई हो जाती है पावर, ब्रैकेट के बाहर भी पावर थी इसलिए मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्सपोनेंट के जो लॉज होते हैं उसके अकॉर्डिंग, ये सारी पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। उसके बाद में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 4 से 4 और यहाँ पर 3 से 3। तो यहाँ बचा 5³ × 3³ डिवाइडेड बाय 2 raised to 5 × 2 raised to 4। 5³ होता है 125, 3³ होता है 27। इसी तरह से 2 raised to 5 अगर हम 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 32 आएगा, 2 raised to 4 16। अब इसका आंसर आएगा 3375 डिवाइडेड बाय 512। अब इसका सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर x दे रखा है 2+√3 और हमें फाइंड करना है x² + 1/x². एक्स था 2+√3, 1/x फाइंड करेंगे पहले। 1/x के लिए इसे लेना होगा 1/2+√3। डिनोमिनेटर में अब रूट का साइन है तो हमें रैशनलाइज करना होगा, तो रैशनलाइज करने के लिए इसका अपोजिट ब्रैकेट लेते हैं, 2+√3 को रैशनलाइज करना है तो 2 - √3 लेना होगा। डिनोमिनेटर में 2 - √3 मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी करना होगा, यहाँ पर आइडेंटिटी बन जाती है a - ba + b इक्वल्स टू a² - b² आइडेंटिटी बन गई यहाँ पर a² - b² की। a था 2 2² - √3² और न्यूमरेटर में अगर हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 - √3 आएगा। डिनोमिनेटर में 2² होता है 4, रूट 3 का स्क्वायर होता है 3, यहाँ पर आया 2√3। अब इसका आंसर आएगा
टू माइनस रूट थ्री अपॉन वन, तो वन लिखा नहीं जाएगा तो इसका आंसर आया वन अपॉन एक्स का टू माइनस रूट थ्री। अब एक्स और वन अपॉन एक्स था, ये वन अपॉन एक्स है, अब इन दोनों की वैल्यू मिल जाएगी तो हम एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर को सॉल्व कर सकते हैं आइडेंटिटी यूज़ करके। एक्स था टू प्लस रूट थ्री, वन अपॉन एक्स था टू माइनस रूट थ्री, तो दोनों का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर दोनों में आइडेंटिटी यूज़ होगी टू प्लस रूट थ्री स्क्वायर और टू माइनस रूट थ्री स्क्वायर। तो पर यहाँ पर हम आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए माइनस बी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए ए टू स्क्वायर प्लस रूट थ्री स्क्वायर प्लस टू इंटू रूट थ्री, और ये प्लस का साइन ऐसे रहेगा, उसका दूसरा ब्रैकेट खोलेंगे टू स्क्वायर प्लस रूट थ्री स्क्वायर माइनस टू इंटू रूट थ्री टू ए बी। अब आगे से सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा टू स्क्वायर फोर रूट थ्री का स्क्वायर थ्री प्लस फोर रूट थ्री प्लस फोर प्लस रूट थ्री माइनस फोर रूट थ्री। यहाँ पर फोर रूट थ्री सेम आ गया तो कैंसिल हो जाएगा, उसका आंसर आएगा। अब अगर हम इसे ऐड कर देते हैं फोर प्लस थ्री प्लस फोर प्लस थ्री, तो आंसर आया 14। ये भी एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है, इसे प्रूफ करना है इक्वल्स टू वन। तो यहाँ पर LHS लिख लेते हैं पहले और यहाँ पर हम एक्सपोनेंट का रूल यूज़ करेंगे। जब बेस सेम होता है तो उसकी पावर डिवाइड होती है, तो ये हो जाएगा a माइनस बी, क्योंकि एक्सेस टू ए अपॉन एक्सेस टू बी था, डिवाइड था तो पावर माइनस हो गई और बाहर का ब्रैकेट ही ऐसे ही रहेगा। इसी तरह से तीनों में लिखना है ए एक्सेस टू बी माइनस सी और ब्रैकेट के बाहर जो है वो ऐसे ही लिखेंगे, और ये है एक्सेस टू सी माइनस ए इक्वल्स टू। अब इसके बाद में ब्रैकेट खोलेंगे तो आइडेंटिटी यूज़ होगी यहाँ पर, इससे पहले ब्रैकेट में लिख लेते हैं ए माइनस बी एक ब्रैकेट में और सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से ये तीनों में लिख लेंगे और इस डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। अब जब भी ये डॉट दिखाई दे तो इसका मतलब होता है कि इन तीनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। इसका ब्रैकेट सी माइनस ए और सेकंड ब्रैकेट में सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर आइडेंटिटी बन गई ए माइनस बी ए, और सेकंड ब्रैकेट में अगर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है तो ये आइडेंटिटी होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। इसी तरह से बी माइनस सी और बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर हो गई आइडेंटिटी बी क्यूब माइनस सी क्यूब की, और ये हो गई सी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो तीनों की पावर ऐड हो जाएंगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। ये कैंसिल हो जाएंगे, सेम लाइक टर्म्स थे, और इसकी आ जाएगी एक्सरेस टू ज़ीरो पावर आएगा क्योंकि सारे टर्म्स कैंसिल हो गए थे, और किसी की भी पावर ज़ीरो होती है तो उसका आंसर वन होता है। आर एच एस भी वन था,
तो ये प्रूव हो गया कि LHS और RHS दोनों सेम है. देयरफोर LHS इक्वल्स टू RHS. इस क्वेश्चन में 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं 3/4 और 4/5 के बीच में. तो किसी भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं. तो यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हमें LCM लेना होगा 4 और 5 का. तो 4 और 5 का अगर हम LCM निकालेंगे तो वो आएगा 20, क्योंकि किसी भी कंसेक्यूटिव नंबर का LCM उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है. तो 4 और 5 का LCM आया 20. तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम बना लेंगे. तो 20 के लिए 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा. इसी तरह से 4/5 में अगर 5 को 20 करना है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा. जब डिनोमिनेटर सेम आएगा उसके बाद ही हम रैशनल नंबर फाइंड करेंगे. अब इसके लिए हमें अभी 15 और 16 भी कंसेक्यूटिव नंबर है, हम इसके बीच के रैशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए इसे मल्टीप्लाई करना होगा. हम 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों को. और अगर हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, जैसे कि 6 फाइंड करना है, अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्ट 6 रैशनल नंबर्स आएंगे. और अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा जाएंगे थोड़े से, तो उसके बीच के हम लिख सकते हैं. 100 से भी कर सकते हैं क्योंकि इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं. तो अगर 10 से मल्टीप्लाई किया था तो ये 150/200, और ये आ गया 160/200. अब 150 और 160 के बीच में अगर हम रैशनल नंबर फाइंड करते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम था, 151, 152, 153 इस तरह से आ जाएंगे. तो ये हो गया 151/100, 200, 152/200, 153/200. इस तरह से हम 6 रैशनल नंबर्स लिख लेंगे. 154/200. इस तरह से ये आ गए 6 रैशनल नंबर्स 3/4 और 4/5 के बीच में. अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ए और बी फाइंड करना है. यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा था 3+√2/3-√2=a+b√2. तो यहाँ पर LHS RHS को कंपेयर करके लास्ट में ए और बी फाइंड करेंगे. तो पहले सिर्फ LHS को सॉल्व करते हैं, उसे रैशनलाइज करके सॉल्व करते हैं. जब सॉल्व हो जाएगा उसके बाद उसे कंपेयर करेंगे. तो इसका LHS था 3+√2/3-√2. अब यहाँ पर रैशनलाइज करने के लिए 3-√2 का अपोजिट ब्रैकेट लेंगे. हमेशा जब भी बाइनोमियल टर्म होता है तो उसे रैशनलाइज करने के लिए उसका अपोजिट ब्रैकेट लेते हैं. अगर 3+√2 था तो 3-√2 था तो 3+√2. और क्योंकि डिनोमिनेटर में 3+√2 से मल्टीप्लाई किया था, इसलिए न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा. अब यहाँ पर आइडेंटिटी बन रही है, न्यूमरेटर में बन जाएगी 3+√2² क्योंकि दोनों सेम ब्रैकेट थे, और डिनोमिनेटर में a-b, a+b से a²-b². न्यूमरेटर को अगर सॉल्व करेंगे तो a+b² होता है a²+b²+2ab. और डिनोमिनेटर में a²-b² की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो 3² होता है 9, और √2 का स्क्वायर होगा 2 सिर्फ, तो वो आ जाएगा 9-2. अब 3² 9, √2 का स्क्वायर 2, प्लस 2 × 3 = 6, 6√2 अपॉन में आएगा 7. 9+2 होता है 11, प्लस 6√2 अपॉन 7. अब हम डिनोमिनेटर को अलग अलग कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे इसे 11/7, और ये हो जाएगा 6√2/7. दोनों का डिनोमिनेटर अलग कर दिया. उसके बाद हम
कंपेयर करेंगे उसे आरएचएस से, ये तो एलएचएस था, 11/7 प्लस 6√2/7, ये आरएचएस था ए प्लस बी रूट टू, तो यहाँ पर √2/√2 सेम है, तो ए और बी की वैल्यू को कंपेयर करना है, ए होगा 11/7 और बी होगा 6/7 और √2 तो सेम ही था। इस तरह से हम ए और बी फाइंड करेंगे, ए आ गया 11/7 और बी आ गया 6/7। इसका लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें से बताना है कि रैशनल है या इरेशनल है, तो पहले उसे सॉल्व करते हैं, √2 − 2² से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद अगर इसमें रूट में आंसर बचता है तो ये इरेशनल होगा। तो यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ होगी a − b² a² + b² − 2ab, इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, ए और बी की जगह पर √2 और 2 है, ए √2 है, √2² + 2² − 2 √2 × 2, √2 का स्क्वायर होता है 2, 2 × 2 = 4 − 2 × 2 = 4, 4√2, 2 + 4 ऐड हो जाएंगे तो ये आया 6 − 4√2। अब इसके आगे हम इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो हमारे आंसर में यहाँ पर √2 बच रहा है, इसलिए ये एक इरेशनल नंबर है, देयरफॉर √2 − 2² इज़ इरेशनल। थैंक यू।